जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फ्लिपकार्ट पे सेविंग डे सेल चल रहा है, जिसमें कि आपको लैपटॉप पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ये सेल आज से यानी कि 25th से 29th जुलाई तक लाइव रहेगा। तो इस सेल में आप अपने फेवरेट लैपटॉप को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा 50 to 60 thousand के बीच में वो कौन सा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है जिसे कि आप इस सेल के टाइम में बाई कर सकते हैं। तो सिर्फ 50 to 60 thousand के प्राइस रेंज में हमें बहुत सारा लैपटॉप देखने को मिलता है, और उसमें से कुछ ही लैपटॉप है जिसे कि परचेज करना एक सेंसेबल ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे 51 thousand के प्राइस रेंज में जो सबसे पहला लैपटॉप है, ये HP पवेलियन गेमिंग, और इसमें हमें राइजन 5 का 3550H CPU देखने को मिलता है, जो कि एक क्वाड कोर CPU है, और इसके साथ कंबाइन किया गया है GTX 1650 GPU। और रैम तो आपको सारे ही लैपटॉप में 8 GB का देखने को मिलेगा, और इस लैपटॉप में स्टोरेज के लिए 1 TB का SSD अवेलेबल है। अब सेकंड लैपटॉप 53,000 के प्राइस पॉइंट पे आता है, Asus Vivo Gaming, जिसमें कि हमें इंटेल का i5 9th जेन CPU देखने को मिलता है। इसमें भी हमें 2000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है, और इसमें हमें ये स्टोरेज के लिए 512 GB का SSD देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी GTX का 1650 GPU है। और 55,000 के प्राइस पॉइंट पे आता है Acer Spire 7, जो कि अगेन इंटेल के i5 10th जेन CPU के साथ आता है। अब कुछ टाइम पहले इसी प्राइस रेंज में आपको 5500U GPU देखने को मिलता था Acer Spire 7 में, जो कि अभी तो अनअवेलेबल है, इसलिए आपको यही बेस्ट ऑप्शन मिलता है 55,000 के प्राइस रेंज में। और इसमें भी वही GTX 1650 GPU है, और इसमें स्टोरेज के लिए ऑनबोर्ड 512 GB का SSD अवेलेबल है, लेकिन आपको इस लैपटॉप में HDD इंस्टॉल करने का कोई भी स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे 57,000 के प्राइस पॉइंट पे आता है HP पवेलियन गेमिंग, जो कि राइजन 5 के 4600H CPU के साथ आता है, और ये एक 6 कोर वाला CPU है। इसमें भी GTX 1650 GPU देखने को मिलता है, स्टोरेज के लिए 1 TB का SSD अवेलेबल है, और यहाँ पे एम्प्टी SSD स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना बोले तो आप लोग करने वाले हैं नहीं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि 60,000 के प्राइस पॉइंट पे आता है, और इसमें हमें देखने को मिलता है Ryzen 5 का 4600H CPU, और इसमें भी GTX का 1650 GPU है, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए ऑनबोर्ड 512 GB का SSD देखने को मिलता है, और इसमें आप HDD भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे बिल्कुल सिमिलर आपको HP Pavilion Gaming देखने को मिलता है, जो कि अगेन 60,000 के प्राइस रेंज में है। तो आप दोनों में से किसी भी लैपटॉप को इस प्राइस रेंज में चूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा HP Pavilion, क्योंकि इसमें आपको बेटर थर्मल और बेटर स्पीकर क्वालिटी देखने को मिलता है। और अगर आपको एक बड़े स्क्रीन वाला गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, तो फिर आप Asus का A17 के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि हमें 17 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें भी Ryzen 5 का 4600 CPU है, और इसमें भी आपको GTX का 1650 GPU देखने को मिलता है, और स्टोरेज के लिए 512 GB का SSD अवेलेबल है, और इसमें भी आप HDD इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका प्राइस है 61,000। और इसी प्राइस में आपको Asus RUF Gaming F15 भी देखने को मिलता है, जो कि इंटेल के i5 10th जेन CPU के साथ आता है, और इसका डिस्प्ले 15 इंच का ही है, लेकिन ये 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और दोनों ही के Asus के लैपटॉप में आपको RGB कीबोर्ड भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहता हूँ। और राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप और भी दूसरे लैपटॉप के बारे में जान सकते हैं।